जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त संदीप कदम ने कहा कि जिला में चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को प्रचार के लिए पोस्टर, पंपलेट, हैंडबिल, होर्डिंग्स, बैनर इत्यादि को इस्तेमाल करने से पहले जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127A के तहत जहां MC की अनुमति लेना अनिवार्य है, तो वहीं प्रचार सामग्री में प्रिंट व प्रकाशक का नाम पत्तियों सहित छपा होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नियमों की अवहेलना होने पर नियमानुसार अवश्य कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त संदीप कदम ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत पदस्थ शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला हमीरपुर के समस्त ग्राम पंचायतों में 29 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा का आयोजन करने का आदेश पारित किया है। आदेश के अनुसार इस विशेष बैठक में निर्वाचन संबंधी शपथ ली जाएगी तथा मतदाताओं को जागरूक करने के बारे में मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न उम्मीदवारों से संबंधित विज्ञापनों एवं पेड न्यूज पर निर्वाचन आयोग का गठित जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति लगातार नजर रखी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उम्मीदवारों द्वारा अपने पक्ष में प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों के साथ साथ पेड न्यूज का भी गहनता से विश्लेषण किया जा रहा है। उपायुक्त जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर कार्य केवल ऑपरेटर जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति की लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की राजनीतिक अपील या विज्ञापन इत्यादि को प्रसारित ना करें। साथ ही समाचार पत्रों से भी आग्रह किया है कि वे अपने उम्मीदवारों के पक्ष में समाचारों को ऐसे तरीके से प्रकाशित करने से परहेज करें जो पेड न्यूज की श्रेणी में आते हों। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज से जुड़े किसी भी मामले को MCMC द्वारा संबंधित निर्वाचन अधिकारी को अगली कार्यवाही के लिए प्रेषित किया जाएगा। पेड न्यूज के संबंध में MCMC से सूचना मिलने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी 96 घंटे की समय अवधि में उम्मीदवार को नोटिस जारी करेंगे, जबकि नोटिस मिलने के 48 घंटे के भीतर संबंधित उम्मीदवार को नोटिस का जवाब देना होगा। यदि इस संबंध में उम्मीदवार नोटिस का जवाब नहीं देता है तो MCMC का निर्णय अंतिम माना जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय MCMC के निर्णय के खिलाफ राज्य स्तरीय MCMC में अपील की जा सकती है। उपायुक्त ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों द्वारा प्रचार पर विभिन्न माध्यमों के अंतर्गत विज्ञापनों इत्यादि पर होने वाला सारा खर्च उम्मीदवारों की चुनावी व्यय में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 28 लाख रुपए की चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। इसके भीतर ही उम्मीदवारों को चुनावी खर्च करना होगा।